पेरेंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टेलीप्राइम के इस अध्याय में आज हम बताएंगे कंपनी डेटा का बैकअप लेना और कंपनी डेटा को रिस्टोर करना। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि बैकअप और रिस्टोर करना क्या होता है। जब हम कंप्यूटर पर कोई काम करते हैं तो उसका ओरिजिनल डेटा कंप्यूटर में किसी निश्चित स्थान पर स्टोर होता है। इस ओरिजिनल डेटा की कॉपी किसी अन्य स्थान पर रखना बैकअप कहलाता है, और किसी भी कारण से ओरिजिनल डेटा के नष्ट हो जाने पर या करप्ट हो जाने पर बैकअप के तौर पर लिए गए डेटा को वापस उपयोग में लाने की प्रक्रिया को रिस्टोर करना कहते हैं। आइए बात कर लेते हैं टैली की। जब हम टैली में काम करते हैं तो हमारा जो भी ओरिजिनल डेटा है वो सिस्टम में किसी निश्चित स्थान पर स्टोर होता रहता है, लेकिन कभी कभी गलती से हमारे सिस्टम से डेटा डिलीट हो जाए या डेटा करप्ट हो जाए या फिर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमने जो काम किया है वो समाप्त हो जाता है, यानी सिस्टम से नष्ट हो जाता है। ओरिजिनल डेटा नष्ट होने पर हम उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें पूरा काम फिर से करना पड़ेगा जिसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि हम वो काम फिर से कर ही ना पाएं। तो इस प्रकार की समस्या से बचने का समाधान ये है कि हम प्रतिदिन टैली का काम समाप्त होने के बाद अपने डेटा का बैकअप ले लिया करें। बैकअप लेने का फायदा ये है कि यदि किसी कारण से हमारा ओरिजिनल डेटा नष्ट हो जाता है तो हम बैकअप को रिस्टोर करके फिर से आगे काम कर सकते हैं। बैकअप का एक महत्वपूर्ण उपयोग ये भी है कि हम इसे एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव, पेन ड्राइव, ईमेल और गूगल ड्राइव आदि के माध्यम से अपने अकाउंटेंट, स्टेक होल्डर के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर वर्क फ्रॉम होम के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कंपनी डेटा का बैकअप कैसे लिया जाता है। हमने टैली ओपन कर लिया है। कंपनी का बैकअप लेने के लिए टॉप मेन्यू बार में दिखाई दे रहे डेटा ऑप्शन पर क्लिक करें या फिर ऑल्टर और वाई कीज प्रेस करें। ऐसा करते ही एक छोटी विंडो ओपन होगी, इसमें बैकअप के लिए बी प्रेस करें। ये देखिए, बी प्रेस करते ही हमारे सामने बैकअप कंपनीज की स्क्रीन आ गई है। इसमें राइट साइड में एक लिस्ट दिखाई पड़ रही है जिसमें ऊपर की ओर उस ड्राइव का नाम और फोल्डर का नाम आ रहा है जहां हमारा ओरिजिनल डेटा सेव हो रहा है, और उसके नीचे उन कंपनीज के नाम हैं जिनका डेटा उपरोक्त लोकेशन पर सेव हो रहा है। हमें इसी ओरिजिनल डेटा का बैकअप लेना है। लेफ्ट साइड में आप सेलेक्ट कंपनीज फॉर बैकअप लिखा देख रहे हैं, और उसके नीचे बैकअप डेस्टिनेशन पाथ में आपको कंप्यूटर की वो लोकेशन डालना है जहां पर आप बैकअप को रखना चाहते हैं। ध्यान रखें, ओरिजिनल डेटा जिस ड्राइव में रखा होता है उसमें बैकअप नहीं लेना चाहिए। लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए बैकस्पेस की प्रेस करके बैकअप डेस्टिनेशन पाथ पर जाना होगा। ये देखिए, ऐसा करते ही राइट साइड में लिस्ट ऑफ फोल्डर्स आ गई है। इसमें सी ड्राइव में बने सभी फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं। इनमें से यदि आप किसी फोल्डर में बैकअप रखना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट कर लें। पर जैसा कि हमने अभी इसके पहले देखा था कि ओरिजिनल डेटा सी ड्राइव पर सेव हो रहा है, इसलिए सी ड्राइव पर हम बैकअप नहीं रखेंगे। अब यदि आप किसी अन्य ड्राइव जैसे डी, ई या पेन ड्राइव में बैकअप रखना चाहते हैं तो स्पेसिफाई पाथ या सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव की सहायता से उस लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, पर उसके पहले हमको इन्हें समझना होगा। पहले हम सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव को समझ लेते हैं। उसके लिए हम सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, ऐसा करते ही कंप्यूटर में जितनी भी ड्राइव्स और पेन ड्राइव होंगी वो और कुछ फोल्डर्स दिखाई पड़ेंगे। आप जिस ड्राइव या फोल्डर में बैकअप लेना चाहते हैं उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। हम डी ड्राइव सिलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा करते ही डी ड्राइव में बने सभी फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से जिस फोल्डर में बैकअप लेना चाहते हैं उस पर जाकर दो बार एंटर प्रेस करें। देखिए, ऐसा करते ही बैकअप डेस्टिनेशन पाथ में हम जहां बैकअप लेने वाले हैं उस ड्राइव का और फोल्डर का नाम आ गया है। चलिए अब स्पेसिफाई पाथ के बारे में बता देते हैं। उसके लिए पहले बैकस्पेस की प्रेस करके वापस बैकअप डेस्टिनेशन पाथ पर जाएं, और अब लिस्ट ऑफ फोल्डर्स में स्पेसिफाई पाथ पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे।
यहाँ पर आपको वो पाथ टाइप करना होगा जहाँ पर आप इस कंपनी का बैकअप रखना चाहते हैं। हम डी ड्राइव में एक नया फोल्डर बनाकर उसमें बैकअप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ हमने टाइप किया डी, फिर कॉलन और उसके बाद बैक स्लैश लगाकर फोल्डर का नाम दिया। अब एक बार एंटर प्रेस करेंगे। ऐसा करते ही हमसे कहा जा रहा है कि इस नाम का कोई फोल्डर नहीं है, क्या आप नया फोल्डर बनाना चाहते हैं? हम यस के लिए एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए लिस्ट ऑफ फोल्डर्स में हमने जो फोल्डर बनाया था वो दिखाई पड़ रहा है। अब हम एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। ये देखिए बैकअप डेस्टिनेशन पाथ में जहां पर हम बैकअप लेने वाले हैं उस ड्राइव का और फोल्डर का नाम आ रहा है। तो इस तरह हम बैकअप डेस्टिनेशन पाथ यानी कि जहां पर बैकअप रखना चाहते हैं वो लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम कंपनी नेम पर आ गए हैं। यहां हमें लिस्ट ऑफ कंपनीज में से उन कंपनियों को सिलेक्ट करना है जिनका हम बैकअप लेना चाहते हैं। पहले हम ए टू जेड ट्रेडर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसा करते ही हमारे द्वारा सिलेक्ट किया गया नाम कंपनी नेम में आ गया है। इसी तरह आप जिन कंपनीज का बैकअप लेना चाहते हैं उन्हें एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। कंपनीज के नाम सिलेक्ट करने के बाद अब ऊपर जाकर एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट करना होगा और इस स्क्रीन को अब हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखिए कुछ ही सेकंड्स में बैकअप की प्रोसेस हो गई है। चलिए अब डी ड्राइव में चलकर देखते हैं कि बैकअप आया है या नहीं। इसके लिए हम टैली की स्क्रीन को मिनिमाइज करके कंप्यूटर पर जाएंगे। अब डी ड्राइव पर जाएंगे। ये देखिए हमारे द्वारा बनाया गया फोल्डर दिखाई दे रहा है, इसे ओपन करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि बैकअप आ गया है। ध्यान दें बैकअप का एक्सटेंशन हमेशा TBK900 से आरंभ होता है और उसके बाद कंपनी का नंबर रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका बैकअप इस तरह का दिखाई पड़े। तो ये अभी आपने सीखा कि बैकअप कैसे लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कंपनी डेटा के बैकअप को रीस्टोर कैसे करते हैं। टैली में हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं किसी कारण से हमारे कंप्यूटर से उस कंपनी का ओरिजिनल डेटा डिलीट या क्रैश हो जाता है, तो हमने कंपनी डेटा का जो बैकअप ले रखा है हमें उसे रीस्टोर करना होगा। आपको समझाने के लिए हम ए टू जेड ट्रेडर्स डिलीट कर देते हैं। ये देखिए हमारे द्वारा सिलेक्ट की गई कंपनी इस लिस्ट से चली गई है यानी डिलीट हो गई है। अब मान लीजिए इस तरह किसी भी कारण से हमारी कंपनी ए टू जेड ट्रेडर्स टैली में से डिलीट हो गई है। अब देखते हैं हमारे पास जो बैकअप है उसके द्वारा हम कंपनी के डेटा को रिस्टोर किस तरह करते हैं। कंपनी के बैकअप को रिस्टोर करने के लिए सबसे पहले टॉप मेन्यू बार में दिखाई दे रहे डेटा टैब पर जाना होगा। उसके लिए ऑल्टर और वाई कीज प्रेस करें। अब रीस्टोर के लिए आर प्रेस करें। ये देखिए रीस्टोर कंपनीज की स्क्रीन आ गई है जिसमें सबसे ऊपर सिलेक्ट कंपनी फॉर रीस्टोर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के नीचे रीस्टोर डेस्टिनेशन पाथ ऑप्शन है जिसमें टैली हमें बाय डिफॉल्ट एक पाथ बता रहा है। यदि आप इसी पाथ पर बैकअप को रिस्टोर करना चाहते हैं तो आगे बढ़ जाएं। पर यदि किसी अन्य लोकेशन पर डेटा रिस्टोर करना चाहते हैं तो रीस्टोर डेस्टिनेशन पाथ पर आना होगा। उसके लिए बैकस्पेस की प्रेस करें और पहले बताए अनुसार सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव या स्पेसिफाई पाथ की सहायता से वो लोकेशन सेलेक्ट कर लें जहां बैकअप रिस्टोर करना चाहते हैं। हम दिखाई पड़ रहे पाथ पर ही बैकअप को रिस्टोर करना चाहते हैं, इसलिए एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए हम कंपनी नेम पर आ गए हैं। यहाँ हमें वो कंपनी सेलेक्ट करनी है जिसका हम बैकअप लेना चाहते हैं। इसके लिए हमें राइट साइड में लिस्ट ऑफ कंपनीज में दिखाई पड़ रहे स्पेसिफाई पाथ या सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव की सहायता से उस लोकेशन पर जाना होगा जहां हमने बैकअप लिया था। हम स्पेसिफाई पाथ पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं और यहां डी फिर कॉलन और उसके बाद बैक स्लैश लगाकर फोल्डर का नाम बैकअप 161021 टाइप करके एंटर प्रेस कर रहे हैं। देखिए हमने जिन कंपनीज का बैकअप लिया था उनके नाम दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ हमें ए टू जेड ट्रेडर्स का बैकअप रीस्टोर करना है तो हम उसके नाम पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे।
यहाँ आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दें कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने जहाँ बैकअप लिया है उस लोकेशन को सिलेक्ट करने के बाद भी हमें कंपनियों के नाम दिखाई नहीं पड़ते हैं, जैसा कि यहाँ हमें कंपनियों के नाम दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में पहले हमें दो बार एस्केप की प्रेस करके वापस पीछे आना होगा। अब ऑल्टर और वाई कीज प्रेस करके डेटा टैब पर जाएंगे। अब डेटा पाथ के लिए डी प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ हमें कंपनी बैकअप पाथ में एक पाथ दिखाई दे रहा है। हमें इस पाथ को बदलकर उस लोकेशन का पाथ देना है जहां पर हमने कंपनी का बैकअप लिया है। ऐसा करने के लिए इस पर जाएं और एंटर प्रेस करें। अब यहां से सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर जाकर एंटर प्रेस करें। हमने डी ड्राइव में बैकअप लिया है तो यहां से डी ड्राइव पर जाएंगे। अब जिस फोल्डर में बैकअप लिया था उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एक बार फिर एंटर प्रेस करें। अब कंट्रोल और ए कीज को प्रेस करके इस कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेप्ट कर लें। चलिए अब कंपनी को रीस्टोर कर लेते हैं। डेटा टैब पर जाएं। अब रीस्टोर के लिए आर प्रेस करें। देखिए हमने जिन कंपनीज का बैकअप लिया था लिस्ट ऑफ कंपनीज में अब उनके नाम दिखाई पड़ रहे हैं। हमें ए टू जेड ट्रेडर्स का बैकअप रीस्टोर करना है तो हम उसके नाम पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। ऐसा करते ही कंपनी नेम में सिलेक्ट की गई कंपनी का नाम आ गया है और हम अगली लाइन में आ गए हैं। इसी प्रकार अगर आप चाहें तो एक ही बार में एक से ज्यादा कंपनी सिलेक्ट करके उन्हें भी रीस्टोर कर सकते हैं। हमें एक ही कंपनी चाहिए थी जो हमने सिलेक्ट कर ली है। अब हम एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखिए बैकअप रीस्टोर हो गया है पर अभी भी हमारी कंपनी नहीं दिखाई पड़ रही है। इसके लिए एक दो बार एस्केप की प्रेस करें और फिर भी कंपनी ना दिखाई पड़े तो टैली बंद करके फिर से चालू करें। ये देखिए लिस्ट ऑफ कंपनीज में ए टू जेड ट्रेडर्स रीस्टोर हो गई है। हम ए टू जेड ट्रेडर्स पर जाकर एंटर प्रेस करके इसे ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह हमने कंपनी को सक्सेसफुली रीस्टोर कर लिया है। यहाँ पर हम आपको दो महत्वपूर्ण बातें बता दें। पहली, बैकअप की एक कॉपी कंप्यूटर के बाहर पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव या मेल के द्वारा कहीं और भी रखनी चाहिए, क्योंकि यदि किसी कारण से पूरा कंप्यूटर खराब हो जाता है तो हमने किसी अन्य जगह जो बैकअप लिया होता है उसका उपयोग करके किसी नए कंप्यूटर में अपनी कंपनी रिस्टोर कर सकते हैं। दूसरी बात, बैकअप रीस्टोर को सीखने के लिए टैली में पहले से बनी किसी कंपनी का उपयोग ना करते हुए उसकी जगह पर एक नई कंपनी बना लें, उसका बैकअप लें, उस कंपनी को डिलीट करें और फिर बैकअप के द्वारा उस कंपनी को रीस्टोर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।